मेरा नाम और YouTube फैमिली का नाम जोड़कर कोई एक नाम बनना चाहिए, ऐसा कोई नाम मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ से जो है हमारा सफर चालू होगा आगे की तरफ। भाई साहब जो है मिरर में देख रहे हैं, देख रहे हो बार बार ऐसे ही रिएक्शन जो है मुझे चाहिए डूड। और ऊपर से देख रहे हो दोस्तों रोड की कितनी गंदी हालात है, पता नहीं अपनी सरकार मतलब क्या कर रही है, आई डोंट नो। 4-5 महीने बचे होंगे मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए। एक दिन पहले जो है दारू बांट देंगे, एक दिन पहले जो है कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें बांट देंगे। मैं तो सोच लिया हूं, हर एक चीज को जो है इग्नोर करके जो है ना अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपन और सीधा जाएंगे। ओ भाई साहब हेलमेट पहन लो यार, हेलमेट पहनो, फिर से जो है हमें ट्रैफिक में रुकना पड़ेगा या फिर मेरे आते साथ जो है ट्रैफिक ग्रीन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल ना फिर दिवांशु अंदर की नमस्कार। तो कैसी है मेरी प्यारी YouTube फैमिली, ऑल गुड होंगे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों की याद आई तो मैं फिर आ गया ब्लॉग बनाने को, कि ब्लॉग प्लस मोटो ब्लॉग, मतलब खूब मजा आने वाला है दोस्तों। और साथ ही साथ गाइस आप लोगों से जो है ना मैं अपनी दिल की बात जो है ना मैं शेयर करना चाहूंगा। और वो बात ये कि काफी टाइम से जो है ना मेरे मन में चल रहा था वो बात, और माइंड पर भी आया लेकिन जुबान पर आ नहीं रहा था। फाइनली मैंने जो है ना कैमरा उठाया और सीधा कर दिया ब्लॉगिंग करना चालू। उसी दौरान जो है ना फटाक से जो है ना मेरे माइंड में हिंट किया वो बात और जुबान पर भी आ गया। और वो बात ये है कि मतलब मेरी प्यारी YouTube फैमिली, यानी कि कितना लंबा चौड़ा नाम हो जा रहा है ना। यानी कि अगर मैं कहीं जाऊंगा किसी चीज को अगर दर्शाऊंगा दिखाऊंगा तो मतलब क्या बोलूंगा, ये देखो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैंने कुछ इस तरह का जो है प्रोडक्ट लिया है या फिर कुछ चीज परचेस किया है या फिर इस जगह मैं आया हूँ वगैरह वगैरह, मतलब काफी लंबा चौड़ा हो जा रहा है ना नाम अपनी प्यारी YouTube फैमिली। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो ना मतलब थोड़ा सा जो ना चेंजेस लाए अपनी प्यारी YouTube फैमिली को, जो ना थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। मेरा नाम और YouTube फैमिली का नाम जोड़कर कोई एक नाम बनना चाहिए, ऐसा कोई नाम मैं सोच रहा हूँ। और मेरे माइंड में जो है ना मतलब एक ही एक नाम जो है हिंट कर रहा है, उसे जो ना मैं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा जो ना सस्पेंस क्रिएट करना चाहूंगा। यानी कि इस वाले व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ कि करना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के पर जो है ना मैं छोड़ रहा हूँ अच्छा सा प्यारा सा नाम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, उसको जो है ना मैं कंपेयर करूंगा अपने मतलब जो है नाम से, यानी कि जो मैंने नाम सोच रखा है उससे जो है मिलता जुलता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उस जरिए जो है ना मैं अपने YouTube फैमिली का जो है नाम रखूंगा और वही जो है ना हमेशा के लिए हो जाएगा फिक्स। और हमेशा जो है ना जब भी अगर मैं व्लॉग में YouTube मेरी प्यारी YouTube फैमिली करके जो है नाम लेता हूं, उसको हटाकर जो है ना वो वाले नाम को लूंगा तो काफी अच्छा लगेगा। लिटरली बता रहा हूं काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। कल से जल्द जो है ना मैं अनाउंस करने वाला हूं ऑन माय YouTube चैनल पे, यानी कि देवांशु व्लॉग्स के चैनल पे। और उससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से याद से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है देवांशु व्लॉग्स की नोटिफिकेशन यूं ही आप तक मिलते रहे। तो लीजिए गाइस ये रही आ चुकी है अपनी स्नो व्हाइट ऑन द रोड पे, और यहाँ से जो है हमारा सफर चालू होगा आगे की तरफ। देखते किस तरह का जो है सीन रहने वाला है। और जिन लोग को नहीं पता मेरी स्कूटी का नाम क्या है, मेरी स्कूटी का नाम है जो है स्नो व्हाइट, और ये रहा देवांशु व्लॉग्स का लोगो जो कि पूरा सेक्सी लग रहा है ना, इस बंदे को जो है सब्सक्राइब करना। और ये हमारे स्टड्स के SMG2 ग्लव्स, इसको जो है ना वेयर कर लेता हूं मैं, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। मोटो व्लॉगिंग जो है मैंने चालू कर दिया तो ठीक है, ये तो इजीली जो है वेलक्रो जो है ना खोलने की जरूरत नहीं है, आसानी से जो है ना देख रहे हो हाथ में घुस जाता है, क्योंकि एक्सल जो है मैंने मंगा कर रख दिया है। बस बहुत बढ़िया यार, सही काम किया। कभी कभार लगता है अगर मैं लार्ज मंगा लेता ना तो मतलब दिक्कत होता, सीरियसली बता रहा हूँ। और अंदर जो है ना आप अंगूठी पहनोगे तो वो तो गड़ेगा ही, सिंपल सीधी बात। लीजिए गाइस आखिरकार जो है घुसी गया ग्लव्स के अंदर मेरा हाथ। ठीक है अपन निकल पड़े आगे सफर की तरफ, धीरे धीरे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है डूड। ठीक है चलो पहले जो है ना अपने स्ट्रीट को जो है क्रॉस कर लेते हैं, फिर सीधा अपन जाएंगे दोस्तों पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल जो है ना एकदम कम हो चुका है, एकदम आखिरी में आ गया है। देखो देख रहे हो कहीं पर भी जो है ना रुक सकता है, इस चीज का जो है ना मैं रिस्क नहीं लूंगा यार, मैं पेट्रोल डलवा ही लूंगा। ओहो स्टंटर लोग देख रहे हो, साइकिल एक से है भाई इनके पास। तो गाइस वाइजर बंद कर लेते, ठीक है पेट्रोल पंप आएगा तब जो है ना अपन खोल लेंगे। वाइजर जो है ना मैंने बंद कर लिया है। और ये रहा मंदिर अंदर साइड, बमलेश्वरी मंदिर, जयकार लगा शेरावाली माता का, बोलो सचे दरबार की जय, शुभ यात्रा शुभ यात्रा शुभ यात्रा। यहाँ से पहले टर्न हो जाते हैं, पीछे गाड़ी नहीं आ रही है। और स्कूल की जो है ना अभी छुट्टी होने वाली है MGM स्कूल की, देख रहे हो लाइन से पूरा ऑटो वैन सब कुछ खड़ा है। पहले जो है ना मैं इसी में आया करता था भाई, खूब मस्ती खूब लड़ाई होती थी भाई। और ऊपर से गाइस हमारे जो है ना कॉलेज में स्पोर्ट्स डे जो है चालू हो चुका है, आज से जो है आरंभ हो गया यानी कि पहला। और जो है ना दोस्तों डांस म्यूजिक और कौन कौन सा जो है चीज है जो होगा हमारे कॉलेज में, मैं भी उस चीज को जो है ना लेकर एक्साइटेड हूँ। भाई साहब जो है मिरर में देख रहे हैं, देख रहे हो बार बार ऐसे ही रिएक्शन जो है मुझे चाहिए डूड। ठीक है अपने देवांशु व्लॉग्स के चैनल पे। तो गाइस पूरा एंगल आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो मैं भी थोड़ा बहुत जो है चेक कर ले रहा हूँ ठीक है स्क्रीन में देखकर। और इधर क्या बेच रहे हैं डूड? अच्छा संक्रांति तो चला गया, लास्ट जो है बचा है यानी कि लड्डू मुर्रा वगैरह, तो उसको जो है सेल आउट कर देना। चलो फिर इसको जो है ना जल्दी से पहले क्रॉस करते हैं। ठीक है चलो चलो चलो। तो जो है ना कॉलेज अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि जो है ना स्पोर्ट्स डे चल रहा है। ठीक है इंडिकेटर मैंने दे दिया है, यहीं से जो है अपन ऑयल डलवाएंगे। हेलमेट खोलना सबसे बड़ा चैलेंज है,
सीरियसली बता रहा हूँ। लीजिए अपन पहुँच गए पेट्रोल पंप पे। किसके पीछे लगाया गाड़ी को? ये देखो, ये भाई साहब के पीछे लगाना पड़ेगा यार। डिक्की खोल लेते हैं। भैया 110 का डालना है, जीरो कर दो। ठीक है, देखिए हमारा पेट्रोल जो है ना धीरे धीरे डाल रहा है। भैया ये रहा, थैंक यू भैया। तो चलिए गाइस अपन अब पेट्रोल डलवा लिया, अब निकलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हमें जो है ना राइट साइड नहीं मुड़ना है, यहाँ इस तरफ जो है मुड़ेंगे। गाइस आज के इस दिन पर मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। इट्स माय सेकंड मोटो व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल, वो भी जो है हेलमेट में जो है मैंने पुट कर दिया, मोबाइल कुछ इस तरह जो है ना मैं शूट कर रहा हूँ। ओप्रो लाने के लिए जो है ना अभी पैसे नहीं है, पैसे आएंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे, जब आप मेरी वीडियोज देखोगे, शेयर करोगे, व्यूज मिलेगा, सब्सक्राइबर गेन होंगे, उस जरिए जो है ना मेरा अमाउंट भी गेन होगा, जिसके कारण जो है ना मैं अपनी स्पोर्ट्स बाइक भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो है GoPro, एक परफेक्ट एंगल मिलने के लिए। ठीक है, और हेलमेट में तो ज़्यादा वॉइस तो नहीं आ रही ना एकदम लाउड, क्योंकि कभी कभार जो है ना जोश में मैं होश खो बैठता हूँ यार, एकदम तेजी से बोलने लगता हूँ। बाद में जब एडिटिंग के दौरान जो है ना पता चलता है कि भाई कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, बंद हेलमेट में मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ। भाई ये वाला रूट देखो यार, अपने सेक्टर तरफ का एक नंबर रूट है, एकदम कर्व है, देख रहे हो, मजा आ जाता है। बताओ जब यहाँ से कर्व होकर फिर वो एक सामने पड़ेगा एक और एक कर्व होकर, यानी कि इस रूट पे जो है ना दो कर्व है, और ऊपर से देख रहे हो दोस्तों रोड की कितनी गंदी हालात है। पता नहीं अपनी सरकार मतलब क्या कर रही है, आई डोंट नो। अभी कम से कम 4-5 महीने बचे होंगे मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए, तब जाकर रोड ठीक करेंगे, नहीं तो उससे पहले जो है ना इन लोग जो है ना रोड ठीक नहीं करने वाले, क्योंकि इनको पता है कि इनको जो है लास्ट मोमेंट में ही गेम पलटी करना है ना, पूरा सत्ता पलट देना है। ठीक है, एक दिन पहले जो है दारू बांट देंगे, एक दिन पहले जो है कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें बांट देंगे, पेटी पेटी निकलता था यहाँ से, इसका कोई इल्जाम नहीं। वोट पाने के लिए लोग क्या नहीं करते, वही अगर 5 सालों में अगर हमारी सरकार अगर कर दी रहती तो हाँ भाई सोचना बनता है। ठीक है कि सरकार ने कुछ इस तरह का जो है हर एक काम किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ काम नजर नहीं आ रहा है, पूरा गांव ही डेवलप हो रहा है लेकिन शहर का क्या भाई, शहर को कौन डेवलप करेगा, देखते कौन जीतेगा। कभी कभार जो है ना रोड के किनारे देखो लाइन से जो है ना पूरा गड्ढा खोद देते हैं रोड को जो है ना चौड़ा करने के लिए, फिर बाद में कुछ इस तरह का मिलता है, रोड तो चौड़ा हुआ ही नहीं, गड्ढे कर दिए पहले से। धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं, अगर जल्दी जाएंगे तब भी वहीं पे पहुंचेंगे, और धीरे जाएंगे तब भी वहीं पे पहुंचेंगे। अगर आप पूछ रहे हो मन में है सवाल कि देवांशु भाई आज मुझे जो है कहां ले जा रहे हो घुमाने के लिए, ठीक है तो चलो फिर आप लोगों को मैं जो है हिंट तो दे देता हूं। यहां से जो है ना अपन एकदम सीधा सीधा जाएंगे, कहीं जो है ना मुड़ने की जरूरत नहीं है, जिस जगह अपन जा रहे हैं ना उस जगह को जो है अपन बस जो है टच करके वापस आ जाएंगे। इस चीज का जो है ना मैं सपना दिन रात देखता था, क्योंकि कब आएगा वो समय, कब मैं जो है अपना कैमरा या मोबाइल अटैच कर पाऊंगा ऑन माय हेलमेट पे। उतना पैसा जो है ना मेरे पास होता नहीं था, कम से कम मुश्किल से 300-400 रुपए होता था यार जमा करके, वो भी 10-10, 50-50 रुपए। ठीक है, आज भी जो है ना मम्मी से जो है ना 10-50 रुपए तो मैं लेता ही हूँ अपने पॉकेट मनी के लिए, जमा करता हूँ तब जाकर जो है चीजों को खरीदता हूँ, फिर जो है मैं अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ जिसके माध्यम से जो है ना आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो गाइस एक गुड न्यूज जो है आप लोगों को मिलने वाला है, वो गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है। ठीक है, अभी तक मैंने जो है उसको सस्पेंस कर रखा था, उसको जो है ना 1 साल हो गया या 2 साल हो गया मेरे ख्याल से, पता नहीं, उस चीज़ को जो है रिवील करने वाला हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल पे। भाई वो जो सरप्राइज है ना एक नंबर वाला है, सही बता रहा हूँ, एक नंबर। भाई क्या दिखता है, उसका लुक क्या है, उसका मतलब कलर इफेक्ट, आई कैचिंग कलर से जो है ना मैंने कुछ करवाया है, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इन दिस ब्लॉग पर। लेकिन हाँ यार थोड़ा सा जो है ना सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, सस्पेंस अगर क्रिएट नहीं करेंगे ना तो मजेदार नहीं रहेगा यार, क्योंकि सबर का फल जो है ना मीठा होता है। ठीक है, जितना सबर करो उतना अच्छा, इसलिए जो है ना मैंने यूट्यूब से नाता जोड़ लिया है अच्छी तरह की। भाई इसमें जो है ना सबर बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों को लगता है कि नहीं भाई वीडियो डालो और पैसा निकालो, ऐसा कब होता था बताऊं? ऐसा होता था 15-16-17 तक होता था, उससे पहले भी होता था कि हमने जितना वीडियोस डाला पर वीडियोस के हिसाब से कितना हमें मिला वो तुरंत निकाल लो। ठीक है, अब तो ऐसा नहीं है डूड, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अब तो $100 हो जाएगा तब भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज जो है आप निकाल नहीं पाओगे पैसे को। ठीक है, और ये सारे पैसे जो है ना आप लोगों के कारण ही मुझे जो है मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। तो इसी तरह जो है ना प्यार सपोर्ट सब्सक्राइब करो यार, कीप लविंग मी ऑलवेज। ओके, आपको कभी डीमोटिवेट होने नहीं दूंगा, डेली व्लॉग्स करेंगे, मजेदार रहेगा। लीजिए गाइस अपन पहुंच गए हैं दुर्ग। ठीक है, यहाँ से जो है चालू हो रहा है फ्लाईओवर। ओ हो, दुर्ग शहर आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू सो मच देवांशु ब्लॉग्स के लिए, इतना प्यार तो काफी है। बार बार जो है मैं मिरर में भी देख रहा हूँ दोस्तों, पीछे से एकदम सट से एकदम कार आ जाएगा, चिपकाते हुए निकालेगा तो मेरी फट जाएगी, सही बता रहा हूँ। देख रहे हो गाइस अभी हल्का हल्का जो है मेरे को फॉग नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पूरा टर्न करूँ तो देखो, देख रहे हो पूरा, क्योंकि गाइस मौसम जो है ना खराब हो गया, पता नहीं कहाँ बारिश हो रही है किस स्टेट में, उसका जो है ना इफेक्ट हमारे भिलाई तरफ भी पड़ता है, यानी कि छत्तीसगढ़ तरफ, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ना एकदम बीचों बीच है। एक बात बताओ गाइस, मोटो ब्लॉगिंग जो है ना एक बहाना है, हमें जो है राइड पर जाना है और नाके वोके सब देखने पड़ेंगे, यहाँ पे बराबर देखते हुए चलेंगे दाएं बाएं। ठीक है, हर जगह सीधा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई कहीं से भी दबोच लेंगे तो भाई फाइन तो मारेंगे यार। वैसे तो एक बात बता दूं गाइस, मकर संक्रांति होने के बाद जो है ना दिन एकदम लंबा हो गया, 5:30 या 6 बजे तक जो है ना एकदम उजाला रहता है। ठीक है, आराम से 6:15 तक 6:30 तक जो है एकदम डल होना चालू हो जाता है। ठंडी में ऐसा नहीं था, 5:30 से जो है ना पूरा अंधेरा होना चालू, कुछ भी ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा था कि ना 7:30 बज रहे हैं या 6:30 बज रहे हैं ठंडी में, इतना जबरदस्त था यार।
जिसका कोई हिसाब नहीं। मैडम जी जो है कार चलाना सीख रही है, इसलिए जो है मैं रिस्क नहीं लूँगा, साइड से आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर मैंने रिस्क ले लिया पीछे पीछे चलाना तो भाई वो मैडम जी अचानक से ब्रेक मारेगी तो मैं घुस जाऊंगा कार में, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता ड्यूड। बाकी तो सब सही है ब्रो। ओहो हो हो। और रास्ते किनारे देखो लाइन से कपड़े मिल रहे हैं लेडीज लोगों के लिए, अलग अलग मॉडल्स में, कलर्स में। और ऊपर से गाइस एक बात बताऊं, इस बीच जो है ना मतलब अलग ही वेदर चेंज हो रहा है। अचानक से बारिश हो जाती है, फिर ठंड बढ़ जाती है, ठंड फिर कम हो जाती है, और ऊपर से जो है ना अचानक से एकदम मौसम डल हो जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं तो सोच लिया हूं, हर एक चीज को जो है ना इग्नोर करके जो है ना अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखो गाइस दुर्ग शहर तो चालू हो गया था फ्लाईओवर से नीचे उतरती साथ, ठीक है। ये सारे जो है मार्केट है देखो दुर्ग तरफ के। वाओ यार, इधर मैं आता था शूट करने के लिए बहुत पहले, कम से कम 9 या 10 महीने हो गए होंगे उस वीडियो को। मैं तो काफी ज्यादा जो है एक्साइटेड हूँ, ऊपर से जो है मेरा गला सूख रहा है यार। पानी बोतल तो मैंने रख दिया है अपने बैग में, लेकिन अभी नहीं पीऊंगा, हर एक चीज को जो है ना बराबर रिकॉर्ड करने के बाद पीऊंगा। ये देखो क्या धूल है भाई, सीरियसली मैं इधर तो रोड बन रहा है डूड, आराम से निकालना पड़ेगा गाड़ी को। तो गाइस ये रहा बस स्टैंड तरफ चले क्या, बोलो आप लोगों को घुमा के लेके आता हूँ। चलो बस स्टैंड तरफ, मैं तो आगे निकल जा रहा था, लेकिन ये रहा यहाँ से जो है बस स्टैंड जो है चालू हो रहा है, पूरा घुमाऊंगा ठीक है आप लोगों को बस स्टैंड। देख रहे हो यहाँ पे जो है गाड़ी रिपेयरिंग की भी शॉप है, एक से बढ़कर एक। गाड़ी का अगर आपको काम कराना है तो दुर्ग आ जाओ। यार देखो बस स्टैंड कितना बड़ा बड़ा बस है यार, सही में लिटरली यार। मेरे को थोड़ा सा जो है वाइजर खोलना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर एंगल मिल रहा है ना, मैं जहाँ बैठा हूँ उतने ही डिस्टेंस से जो है ना पूरा कैप्चर कर ले रहा हूँ, ज़्यादा आगे सरक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है फिर कट जाएगा ये सामने का जो है डैशबोर्ड। रायपुर बोल रहे हैं डूड, यहाँ से कट मार के आगे की तरफ बढ़ते हैं। रुक जाओ। ओ हो हो, क्या बड़ी बड़ी बस है यार, तगड़ी वाली, फुल ऑन AC, non-AC सब मिक्सअप है। ओ हो भाई क्या बस है ना यार, सेक्सी भाई। तो यही था अपना प्यारा सा बस स्टैंड, ठीक है। यहाँ से एग्जिट है, वहाँ से जो है ना एंट्री वाला पॉइंट था। और ये रहा दोस्तों नल घर शॉपिंग मॉल, अभी तक खुला नहीं, कम से कम 1 या 2 साल हो जा रहा है, तब से देख रहा हूँ तब से जो है ना ये बंद पड़ा हुआ है यार। भाई नगर निगम द्वारा जब तुम बनाए हो तो जल्दी से खोलो यार, पता नहीं 2023 के बाद ही खोलेंगे शायद, नया मंत्री जब आएगा तो हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते अपन। और सीधा जाएंगे। ओ भाई साहब हेलमेट पहन लो यार, ऐसा मत करो, बिना हेलमेट के मत चलो, खासकर ये दुर्ग शहर में बहुत ही बवाल शहर है। चलो चचा भीड़ हो रहा है यार, फिर से जो है हमें ट्रैफिक में रुकना पड़ेगा, या फिर मेरे आती साथ जो है ट्रैफिक ग्रीन हो जाएगा। ये देखो कितना मिनट बचा है, 16 मिनट बचा है, 15 मिनट बचा है, देख रहे हो वहाँ पे जो है लिखा हुआ है रेड में, देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो। ओहो लैम्बोर्गिनी देख रहे हो यार, येलो कलर की, अपनी इंडियन लैम्बोर्गिनी है। चलो चाचा जी चलो यार, पर सेक्सी भाई लैम्बोर्गिनी। भाई वाइजर खोल के मस्त लग रहा है यार चलाकर, ठंडी ठंडी हवा जो है ना एकदम मतलब चेहरे को लग रही है, छू रही है, महसूस कर रहा हूँ मैं। और ये देखो बच्चों की छुट्टी हो गई है, एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के। भाई एक सुपर बाइक और यहाँ पे जो है ना एक वेव, सही बता रहा हूँ, एक थ्रॉटल दूंगा ना, मतलब बता रहे हो आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया जो है ना गूंजेगा, उस चीज के लिए जो ना मैं वेट कर रहा हूँ, देखते कब आएगा मेरे लाइफ में। इट्स माय फर्स्ट सुपर बाइक यार, उसका जो है ना बेसब्री से जो है मैं इंतजार कर रहा हूँ, और इंतजार हमेशा रहेगा क्योंकि आप लोगों का अगर सपोर्ट बना रहेगा तो। ओ भाई साहब कैसे बैठे हैं यार ऑटो में, देख रहे हो एकदम गंदे तरीके से, और ऑटो में जो है आंटी जी जो है मेरे को देख रही है टुकुर, ठीक है। यहाँ से जो है अपन सीधा निकलते हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि दोस्तों समय पे जो है मेरे को वापस भी आना है, ठीक है। ऐसे ही रहा है देखो पंप हाउस, जो कि दुर्ग और भिलाई को जो है यहीं से जो है पानी सप्लाई होता है प्योरीफाई होकर। आज उतना भीड़ नजर नहीं आ रहा है भाई, बारिश के टाइम पे देखने लायक सीन मिलता है यहाँ पे, पूरा ओवरफ्लो होता है डूर पानी। आज मेरा बहुत सारा प्लान था यार, पूरा पानी का जो है रंग बदल चुका है, ठीक है, काई पूरी जम गई है लग रहा है उसके ऊपर। भाई कुछ नहीं करना पड़ रहा है भाई, बस गाड़ी को जो है ना मतलब हल्का सा जो है वेव दे रहा हूँ मैं, और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। यहीं तक जो है हमारा सफर रहेगा, इसके आगे अगर मैं जाऊँगा तो भाई देख रहे हो अंधेरा हो जाएगा, फॉग नजर आ रहा है वो, देख रहे हो वहाँ पे पूरा का पूरा फॉग नजर आ रहा है। भाई ये पानी कितना गहरा है यार, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो गाड़ी को जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो ना अपन टर्न ले लेते हैं, क्योंकि अपने को आगे जाना नहीं है, आगे जाएंगे तो किसी दिन और जाएंगे, थोड़ा सा जो ना घूम कर ही जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास जो है स्नो वाइट है, कई लोगों के पास स्कूटी तक नहीं रहती, ठीक है, वो साइकिल में जो है ना घूम कर जो है वीडियोस बनाते हैं, और या फिर अपने फ्रेंड के साथ जो है पीछे बैठकर, जैसे कि मैंने किया था मेरी स्कूटी पे, मैं अपने फ्रेंड के पीछे बैठकर जो है ना ऑल ओवर जो है ना रिकॉर्ड करता था, ठीक है। उस समय जो है मेरे पास इस तरह का जो है ना पूरा मटेरियल नहीं था, ठीक है, किस तरह जो है डेवलप करना है अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप को हेलमेट में अटैच करके। पहले मैं हेलमेट लिया, फिर उसके जो है ना ऑल ओवर मटेरियल लिया, है ना। और क्या ब्यूटीफुल सा व्यू है, देख रहे हो क्या लंबी नदी है भाई, शिवनाथ नदी, जब ओवरफ्लो होता है ना तो देखने लायक व्यू होता है, यहाँ से पूरा पानी बह जाता है भाई। फिर से R15 है, देखो बहुत ही प्यारा कलर है यार, देख रहे हो, टू मच फन। हेलो, तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं वापस अपने घर की तरफ निकलने के लिए उसी रूट से जिस रूट से जो है मैं आया था।
पीछे वाला बंदा मेरे को ओवरटेक कर रहा है, देख रहे हो, कभी लेफ्ट कभी राइट, क्या चल क्या रहा है डूड। चल क्या रहा है ब्रो, या तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ये भी धीरे हो जा रहा है। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो आप? देवांशु ब्लॉग्स, ट्रैवल का रहता है, फूड ब्लॉग्स का रहता है, वीकली ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स का रहता है। कौन सा? सिविक सेंटर वाला। हाँ उधर तो मैं बनाता हूँ। हाँ सब्सक्राइब किया कि नहीं आपने? अभी कर दो सब्सक्राइब। आपको देख रहे, बात करूंगा करके वो बोल रहा था मैं बात कर रहा हूं आपको मार देते हैं, हमें देखते रहते हैं वो सब। ओके ओके, डी ई बार बार के लोग बनाते हैं। हाँ ये रहा गया टॉप में, देवांशु व्लॉग्स, ये रहा नोटिफिकेशन बेल ऑन, ये रहा मेरा चैनल। ओके भैया थैंक यू, न्यू फैमिली मेंबर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, सपोर्ट कीजिएगा। हाँ वो भी बात है। चलिए गाइस, हमें जो है हमारे एकदम प्यारे भैया जो है सब्सक्राइबर भी मिल गया, चलते चलते सब्सक्राइब मैंने करा दिया है, क्योंकि हर एक मूवमेंट जो है मेरे लिए कीमती है। मेरे को मालूम है अगर एक बार ये पल चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए जो ना मैं हमेशा जो है मोटो व्लॉग करता हूं, अपने आप को दर्शाता हूं, अपने आप को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। गाइस इसी के साथ जो है मैं पहुंच गया अपने घर के पास। आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने जो है अपना सेकंड डे मोटो व्लॉगिंग का जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों, याद से। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।